भैया धक्का दे दोगे क्या? ये वही पल था जब मेरी सांस, प्राण और धड़कन एक साथ रुक गई। पर मैंने गलती ये की कि मैंने भैया पे भरोसा कर लिया, क्योंकि मैंने अपने आप को सिर्फ 2 सेकंड्स बाद ही समंदर की गहराई में गोते लगाते हुए पाया। वो तो भला हो इन डाइवर्स का जिन्होंने मुझे एक जीवन दान दिया, लेकिन यहाँ भी मैं मात खा गई, क्योंकि ये लोग मुझे समंदर के अंदर डुबाने की पूरी प्लानिंग करके आए थे, वो भी मेरी सहमति के साथ। अब डर इस बात का था कि मुझे समुद्र के अंदर शार्क न दिख जाए, पर दिखी तो बस ये छिपी हुई दुनिया और रंग बिरंगी मछलियाँ, जिनसे हाय हेलो करने के बाद मैं अपनी जान बचाकर भाग लेती हूँ। पर तभी मेरे पास इस ट्रिप के स्पॉन्सर ई ट्रिप्टो की ओर से मैसेज आता है कि क्योंकि आप समंदर से बच आए तो अब हम आपको आसमान में उड़ाएंगे। तो मैं बिल्कुल एक्साइटेड ना होते हुए तैरती हूँ एलिफेंटा बीच की ओर, जहाँ पर 70 से भी ज्यादा वाटर एक्टिविटीज होती है, और उनमें से ही एक एक्टिविटी होती है सी वॉक, जिसका टिकट इस भले सब्सक्राइबर ने हमें गिफ्ट किया। और जब तक मुझे होश आता मैं एलिफेंटा बीच पर खड़ी थी, और मेरी कमर के चारों ओर बेल्ट बांध दी गई थी, जिसके कुछ ही पल बाद मैं हवा में गोते लगाते हुए नहीं दिखाई देती हूँ। पर मैं कहीं अपने होश ना संभाल लूं, इससे पहले ही मुझे हेलमेट लगाकर पानी में डुबा दिया जाता है। हालांकि मुझे ये नहीं समझ आया कि हम लोग पानी में ढूंढ क्या रहे हैं।